हेलो फ्रेंड, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए न्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग बीएचयू पाठशाला। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, मैं फिर लौटा हूं आप शानदार सेशन के साथ। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट है और इट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ए पोर्शन ऑफ फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर ऑल ओवर कॉम्पिटिशन एग्जाम। मैं बता दूंगा और इसके साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है। सो प्लीज गाइज, आप उसको ज्वाइन करें और आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने ये लिख दिया है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। उसमें क्या करता है, कलेक्टिव पूछता है कि यहां से यहां तक के आर्टिकल्स किसमें आते हैं। और इसमें अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग पहले से पढ़े हैं उनके लिए तो काफी बेनिफिशियल होगा और जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उतना ही बेनिफिट होगा, और खासकर बीए आर्ट्स, एलएलबी और एलएलबी के लिए। जैसा कि आप, जैसे मैं बताया था पहले भी कि अगर आप मूल अधिकार लिखते हैं तो आप यहां से 12-35 आर्टिकल लिख लेंगे नोट्स बनाते टाइम। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, आप जैसे कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल लिख दिया हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये अधिकार है और ये राइट्स, सारी चीजें सेम है। जैसे समता का अधिकार है समानता, राइट टू इक्वलिटी, ये आता है 14-18 तक। फिर जैसे आप देख सकते हैं कि फ्रीडम का है, जो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो 19-22 तक आता है। ये सारी चीजें मैं बता के फिर आपको हम वन बाय वन बताएंगे बाय आर्टिकल 12-35। फिर जैसे आप देखिए एक्सप्लोटेशन का है, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23-24 तक आता है। धार्मिक, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25-28 आता है। सांस्कृतिक आप देखेंगे, सांस्कृतिक में और शैक्षणिक दोनों आ जाता है, ये आप देखेंगे 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32, अब जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, इसके लिए पहले तो मैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनके लिए एक ट्रिक बता दूंगा। वो काफी ट्रिक छोटा है, आप समझेंगे, और उसको समझने के लिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है ट्रिक, ये देखिए, उसमें हम लिखेंगे समस्त शोध सांस्कृतिक उपचार। आप सोचिए कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये 6 पार्ट में डिवाइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 में है। सेम वही कंसेप्ट यहां पे लगेगा, 6 में इसको डिवाइड, जैसे देखिए सम, सत, शो और ध, फिर ये सांस्कृतिक, ये उपचार। इससे क्या होगा, आप इसको मैच कराएंगे, जो सम है ये सम, ये समता से रिलेटेड हो गया पहला, ये सत जो हो गया वो स्वतंत्रता से हो जाता है, और जो ये शो है इसको आप ले लेंगे शोषण से, जो ध है इसको लेंगे आप धार्मिक से, और संस्कृति को आप संस्कृति से ही लेंगे, और लास्ट जो है रेमेडीज, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ऐसे आप याद करेंगे, 6 पार्ट में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये जब जो हमारा मूल संविधान जब बना था उस टाइम 7 अधिकार थे, उसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी का था, उसको हटा दिया गया, उसको बारे में मैं बताया था कि वो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में उसको हटा के उसको 3300A में जोड़ दिया गया। इसी के साथ मैं आपको, आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम वन बाय वन पे आते हैं। अब बाय आर्टिकल देख लेते हैं। पहले जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है 12-35 तक की बात होगी आज, तो उसमें जो आर्टिकल 12 है वो क्या कहता है, वो राज्य की डेफिनेशन बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये बताता है कि जैसे हम जो स्टेट का वर्ड यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आप स्टेट का मतलब ये ना समझेंगे कि राज्य की बात हो रही है, यहां स्टेट का मतलब है कि पूरे, पहले पूरा पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फिर पूरे जो स्टेट है हमारे राज्य, उनके जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेचर, फिर उसके साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें सारा कुछ दिया गया है। तो ये 12 उसी को डिफाइन करता है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 एक तरह से सजेशन है गवर्नमेंट को, जो भी प्रेजेंट की गवर्नमेंट हो, ये कहता है कि संविधान में ऐसे कोई कानून नहीं बनाए जाएंगे जिसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें हनन हो, या मतलब उनको, जैसे ऐसा नहीं कोई आर्टिकल बन सकता है कि इनको खत्म कर दो, अब इनकी जरूरत नहीं रह गई है। तो बस आप इसको लाइटली समझिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं यहां से। अब से जो स्टार्ट होंगे 14 से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज इनको समझिएगा। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है या
चाहे जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर हो या तो जो ये सारी बॉडीज है वो किसी को जैसे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि किसी का पहले केस देखें किसी का बाद में देखें। तो ऐसा तो मान लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में होता होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता है। वो बोलता है सबके लिए बराबर कानून बनेगा, ऐसा सबके लिए बराबर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कोई किसी आदमी के लिए टैक्स कम लगे, किसी चीज का किसी के लिए ज्यादा लगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आर्टिकल 14 कहता है। 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 नाम से आपको एक मूवी देखे होंगे, उसमें ये सेम टाइटल है, धर्म रिलीजन मूल वंश ओरिजिन, आपका जाति कास्ट हो गया, और जो लिंग है उसको आप जेंडर, और जन्म स्थान बर्थ प्लेस, इनके बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जाति के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप जैसे जन्म स्थान मतलब स्टेट वाइज जो क्षेत्रवाद कहते हैं ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये आर्टिकल कहता है। इसमें इसमें तो ये तो कहता है पांच चीजों का ना एग्जाम्पल देकर बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी में एक स्पेशल प्रोविजन है जो 15 में बेसिकली 15 में चार पार्ट है, 15(1), (2), (3) और (4) जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। इसका एक पार्ट कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए जो सरकारें हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन ला सकती हैं। इसी में जोड़ा गया है रिजर्वेशन को, 15(4) के नाम से रिजर्वेशन को जोड़ा गया है कि जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से, आप इनमें आप कह लीजिए कि पहले आर्थिक नहीं था, आर्थिक को बाद में जोड़ा गया, पहले केवल सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन मिलता था, फिर बाद में जो EWS कंसेप्ट आता है इसी में चेंजेस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं आर्टिकल 16, ये क्या कहता है? लोक नियोजन के समान अवसर, मतलब कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो सबके लिए समान होगी, सब लोग उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, किसी के लिए ऐसा नहीं होगा कि उस स्टेट के ऐसा ना कर पाए। ये आर्टिकल बताता है कि सबके लिए समान अवसर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट फिर आते हैं हम आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 क्या कहता है? ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको आप कहते हैं एक लोकल लैंग्वेज में, छुआछूत के अंत की बात करता है आर्टिकल 17। और ये बोलता है कि जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसके लिए कड़े प्रावधान है, कड़े प्रोविजंस हैं इसको, दैट अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, जो कि हमारे भारतीय इतिहास का एक काफी गंदा ये रहा है, तो इस चीज को काफी नोटिस किया गया और हमारे जो संविधान सभा में इस चीज को हटाने के लिए आर्टिकल 17 स्पेशली इसी के लिए बात करता है। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 18 पे। ये उपाधियों का अंत की बात करता है। उपाधियों का अंत का मतलब आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको मैं क्लैरिफिकेशन आपको देता हूँ। जैसे उपाधियों का अंत है, जैसे आप पढ़े होंगे जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो किसी के नाम के आगे सर, लॉर्ड और अलग अलग उपाधियां मिली होती हैं, तो उन उपाधियों से उनको जाना जाता है। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना इसको कैंसिल कर दिया गया कि अब से ऐसी कोई उपाधि नहीं होगी। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि भारत रत्न जो है, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार हो गया, या सेना में जो सेना में पुरस्कार मिलते हैं, सेना में जैसे परमवीर पुरस्कार हो गया, महावीर हो गया, वीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब एक्सेप्शन है। ये दिए जाएंगे सेना और एक शैक्षणिक में जैसे नाम के आगे प्रोफेसर लगना, जो डॉक्टरेट कर लेते हैं तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगना, ये गवर्नमेंट इसकी परमिशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है। बट ये नहीं देता है कि किसी को नया टाइटल दे दिया जाए, जैसे लाला लाजपत राय, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। आप देखिए होंगे आजादी के बाद ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया, अगर दिया गया तो उसका गवर्नमेंट मतलब उसके ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट उसमें वो नाम यूज नहीं होगा। इसमें एक और चीज आती है, अब इसमें जो थर्ड पॉइंट ये आता है कि अगर किसी भी सिटीजन को फॉरेन में कोई उपाधि मिल रही है, मान लीजिए फॉरेन में उसको किसी या तो प्राइज मिल रहा है, तो उसको अपने देश के मतलब मान लीजिए यहाँ का मैं जाता हूँ फॉरेन में और मुझे कोई उपाधि मिलती है, मुझे कोई पुरस्कार मिलता है बड़ा पुरस्कार, तो उसके लिए मुझे अपने प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं उसको लूँ या ना लूँ। तो ये इसमें आता है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 है स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको राइट टू एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें इसके 19 के सब डिविजन है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने ABCD लिखा है। इसमें देखिए पहला जो 19 है ये बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है सबको। इसी में आती है प्रेस की स्वतंत्रता। आप कई बार ये वर्ड सुने होंगे कि मीडिया की स्वतंत्रता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो ये 19A कहता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप स्टार बना लेंगे, इसके सारे पॉइंट स्टार बना लेंगे। फिर आते हैं 19B पे। 19B क्या कहता है कि शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं पे भी
हालांकि वहां धारा 144 लागू न हो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप स्वतंत्रता पूर्वक सभा कर सकते हैं। सभा करते साथ आप हथियारों के साथ सभा नहीं करेंगे, सभा करेंगे अपनी बात रखेंगे, उससे कॉमन पीपल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका आपको अधिकार है। नेक्स्ट पे हम आते हैं 19 का, सी क्या कहता है। ये कहता है संघ और संस्था बनाने का अधिकार, स्वतंत्रता और अधिकार दोनों मिला है। आप कोई भी संघ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संस्था बना सकते हैं, इसकी आप स्वतंत्रता दी जाती है। हालांकि इसमें ये एक चीज है कि मतलब उस संस्था और संघ से देश की सुरक्षा और देश की सिक्योरिटी और मतलब देश की कोई हानि न पहुंचे और देश की सुरक्षा खतरे में न पड़े, इसका ध्यान देना चाहिए। और ध्यान और इसी उसको हटा के बाकी आप कोई भी संघ और संस्था बना सकते हैं। 19D क्या कहता है कि देश के किसी भी भाग में आवागमन, मतलब यू कैन ट्रेवल वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ इंडिया, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, आप ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कोई पास लगेगा। अभी कोरोना टाइम से हट कर सोचिएगा, इस टाइम तो इन सब चीजों पे बिल्कुल मत सोचिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा। फिर 19 ही पे आते हैं, देश के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, आप कहीं भी जमीन ले सकते हैं, जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में वहां जमीन लेकर आप वहां घर बनवा के रह सकते हैं। पहले इसमें एक्सेप्शन में जम्मू कश्मीर आता था, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में भी आप रह सकते हैं, उसको आप लेकर JNK को आप लेकर चलिएगा। आप वहां पे भी आप वहां बनने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है वहां का निवासी बनने के लिए, आप बनने के बाद आप वहां पे रह सकते हैं। फिर आता है 19G। 19G आने से पहले आप कहेंगे सर नहीं, ई के बाद एफ की बात नहीं की। ई एफ जो था वही राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था, संपत्ति के अधिकार का। उसको बाद में मैंने बताया कि उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में उसको हटा के 300 में रख दिया गया, 300A में रख दिया गया। फिर 19G क्या कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि आपको स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यापार और जीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। हालांकि इसमें हम इसमें वही दोनों चीजें ध्यान देते हैं कि मतलब उससे राष्ट्रीय जो गरिमा है या राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी हो गई, नेशनल डिग्निटी हो गई, उसको कोई हानि ना पहुंचे, उसको कोई खतरा ना हो और वो इलीगल ना हो, ये दोनों चीजों का ध्यान रखकर कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की आपको स्वतंत्रता है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल 20 को देख लेते हैं। आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी, जैसे किसी भी पर्सन को अपराध के लिए एक बार सजा होगी। उसका मीनिंग क्या है पहले आप ये जानेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को किसी मुजरिम को 5 की सजा हो गई, वो सजा काट के आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दोबारा उस पर सुनवाई हो और उसको दोबारा उस जुर्म के लिए दोबारा कोई सजा मिले। तो ये आर्टिकल 20 कहता है, और एक्चुअली ये इसी के संरक्षण की बात करता है, अपराध के संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। इसमें दूसरा जो आता है खुद के खिलाफ गवाही, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि अगर कोई अपराधी है उसको न्यायालय में खुद के खिलाफ गवाही देने के, मतलब वो उसके खिलाफ हम ये प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि वो बोले कि नहीं मैंने ये अपराध किया है मुझे सजा दो। तो ये वाली चीजें इसी में आपको मिलेंगी। इसमें 3 है, 1, 2, 3, तो उसमें ये 3rd है, ये इंपॉर्टेंट में आ सकता है BA LLB के लिए, आप इसको स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं आर्टिकल 21, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे सीधे पूछा राइट टू लाइफ, जीवन जीवन की सुरक्षा का अधिकार। इसका ये मतलब है कि स्टेट को लोगों के, मतलब हम अगर निवासी हैं भारत देश के, तो हमें सुरक्षा देने का जो कर्तव्य, जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्टेट की होनी चाहिए। उसमें आप इसका राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार का नाम सुने होंगे। इसका मतलब है कि हमें अपनी चीजें को प्राइवेट रखने और प्राइवेसी का अधिकार हमें है। हम चाहें तो हम अपने जैसे कुछ चीजों का डिटेल नहीं दे सकते हैं, जैसे नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम अपने बाकी चीजों का डिटेल ही देना मैंडेटरी हो, तो उसको निजता का अधिकार कहते हैं। सोने का अधिकार हो गया, ऑक्सीजन लेने का अधिकार हो गया, कुछ थोड़े से ऐसे बेढंगे सवाल आते हैं तो वो यहीं से आते हैं, पानी पीने का अधिकार हो गया, तो ये सब अधिकार आर्टिकल 21 है। वो सीधे कहता है जीवन की सुरक्षा संबंधित और जीवन संबंधित अधिकार। आर्टिकल 21 ए जो बाद में जोड़ा गया, ये जोड़ा कब गया इसको मैं फिर से बता देता हूँ। वैसे मैं दो तीन बार तो बता ही चुका हूँ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 इसको जोड़ा गया, और इसमें जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। और ये शिक्षा का अधिकार क्या कहता है, ये कहता है कि 6 से 14 के बच्चों की शिक्षा का अधिकार है, और ये कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया इसको, कि हर माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दें। इसी के साथ जो हमारा आज का ये
जो टॉपिक था हमारा फंडामेंटल राइट का, ये पार्ट वन था। आपको पार्ट टू जल्दी ही मिलेगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, जो समझ में नहीं आएगा पहले आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, और उसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, तो आपके एग्जाम को लेकर हम काफी अवेयर हैं और काफी कम, ये काफी क्रूशियल टाइम है आपके लिए। सो थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप वॉचिंग बीएचयू पाठशाला।